हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी सर्विस में। आज मैं स्वाति मुक्तवाल आपको सिखाऊंगी स्क्वेयर फाइंड आउट करना विद इन 2 सेकेंड। वैसे तो आपको हर एग्जाम में स्क्वेयर जो है फाइंड आउट करने के लिए आती है, चाहे नंबर सीरीज हो, कहीं ना कहीं आपको स्क्वेयर आ ही जाता है। तो आपको अगर आप वैसे नॉर्मली जो आप फाइंड आउट करते हैं उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आज मैं आपको जो है 2 सेकंड के अंदर स्क्वेयर फाइंड आउट करने सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको आना ज़रूरी है 1 से लेके 10 तक, आपको स्क्वेयर आने चाहिए। 1 का जैसे 1, 2 का 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36, 7 का स्क्वेयर 49, 8 का स्क्वेयर 64, 9 का स्क्वेयर 81, 10 का स्क्वेयर 100। बस आपको जो है आपको 1 से लेके 10 तक जो है आपने स्क्वेयर को याद करना है। उसके बाद आपको मैं एक रूल सिखाऊंगी जिसमें आप 2 सेकंड के अंदर ही अगले जो 1 से लेके 100 तक जो है आप स्क्वेयर को फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे कि आपको मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। इसके लिए हमारा रूल रहेगा ए का स्क्वेयर इंटू बी का स्क्वेयर इक्वल टू 2ab। जब आप नॉर्मली एक एग्जाम में निकालते हैं तो जैसे आप मान लो आप 12 का स्क्वेयर निकाल रहे हो, आपको 12 का स्क्वेयर आया हुआ है, तो आप निकालते हो नॉर्मली 12 × 12 करके। इस तरह से जब आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिनिमम आपके 10 सेकेंड तो लग ही जाएंगे। तो इससे जो है टाइम आपका वेस्ट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं आप इसको। अब मैं आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको ड्राइव करना सिखाऊंगी। ए का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर इक्वल टू 2ab। अब हमें निकालना है 12 का स्क्वेयर। तो आप 12, अब 12 को आप ए बी कैसे लोगे, ये वन जो है आपका ये हो जाएगा आपका ए, और 2 जो है वो आपका हो जाएगा बी। अब आपको इस लगाइए ए का स्क्वेयर आपका वन, वन का स्क्वेयर टू, टू का स्क्वेयर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए, और बी की जगह 2 रख दिया आपने, ठीक है। अब वन का स्क्वेयर होता है आपका वन, अब फोर, टू, टू का स्क्वेयर आपका हुआ 4, ठीक है। तो 4 के जब भी अगर सिंगल सिंगल डिजिट आता है पीछे तो उसके बीच में आप 0 लगाओगे, उसके बाद आप इसे लिखोगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट इसे मल्टीप्लाई की 2 1 2 2 2 4, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया 2 2 4, ये देखिए। अब इसको प्लस कर दो 4 4 1, ये आपका आ गया स्क्वेयर। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे डेली तो आप विद इन 2 सेकंड में इसको निकाल पाएंगे। अब आपको मैं जैसे ये तो सिखा दिया, अब आपको मैं और भी इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको और करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे आप 44 ले लो, इसका निकालना है आपको स्क्वेयर। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ए हो गया हमारा 4 4 जा 16, ए का स्क्वेयर 16, बी का स्क्वेयर 16। अब आगे है अगर 2, यहाँ साइड में लिख लो आप 2, ए कितना है हमारा 4 बी 4, अब 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। अब इसको कर दिया प्लस 6 3 6 और 3 9 और 1, ये आपका आ गया 44 का, 44 का आपका आ गया स्क्वेयर। अब नेक्स्ट है हमारा, आप नेक्स्ट ले लीजिए, आप नेक्स्ट जैसे आप 38 रख लीजिए। 38 का स्क्वेयर निकालना है आपको, 3 हमारा हो गया ए और 8 हमारा हो गया बी। 3 अब डायरेक्ट निकालने की कोशिश कीजिए, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा यहाँ पे देखिए 64। नेक्स्ट है हमारा 2ab, 2 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 3 2 3 जा 6, अब आप 6 को 8 से कीजिए, ये बन गया आपका 48। तो हाँ आप यहाँ पे लिखेंगे अब 48, ये बन गया 4 8 और 6, 9 और 4 14, ये देखिए। जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आपका बहुत ही जल्दी आप निकाल पाएंगे
बिना पेंसिल और पेन यूज किए ही आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे 92 का स्क्वेयर निकालना है हमें, तो 9 9 9 का स्क्वेयर कितना हुआ हमारे पास 81, और 2 का स्क्वेयर होता है हमारा 4। तो 4 जो है वो अकेला है डिजिट लास्ट का, तो हमें पहले इससे पहले लगानी है 0, मल्टीप्लाई किया इसको, उसके बाद जो है इनको 2AV 2 से इनको मल्टीप्लाई किया सबको, तो हमारा आएगा 36। ओके, इसके आते हैं 4 6 4 8, ये आ गया आपका 92 का स्क्वेयर। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब तक तो आपको आ ही चुके होंगे लगभग, तो अगला फिर भी हम एक ले लेते हैं और 56 का स्क्वेयर निकालना है। तो 5 का आपको पता है 25 होता है, 6 का आपको पता है 36 होता है। अब आपको करनी है इनकी मल्टीप्लाई, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 5 2 10 और 10 6 60, सॉरी हाँ यस 10 6 60, तो अब इसको करेंगे प्लस 6 3 10 1 11 11 और इधर 3, ये आ गया आपका 56 का। इसी तरह से आप बहुत सारे स्क्वेयर्स जो हैं ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5 का जो भी 5 से रिलेटेड टर्म्स होती हैं, जैसे आपका 5 हो गया, 25 हो गया, 35 है, 45, 55, 65, जो भी 5 से रिलेटेड हैं उसको, उन स्क्वेयर्स को आपको ड्राइव करना सिखाएंगे, इजी से आपको ट्रिक्स दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से उनको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें अगर कोई भी कमी लग रही हो आपको, या फिर आपको लग रहा हो कि इससे और भी मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं हम, या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।